एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर ये 500 ग्राम कटहल लिया है, दो टमाटर और दो प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। तो तेल गर्म हो गया है और मैंने ये छोटे छोटे पीसेस करके कटहल डाल दिया है और इसको हम अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा सब्ज़ी में, लेकिन सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे और ये पूरी तरह से कुक हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे हमें तेल में ही फ्राई करना है और बीच बीच में मैंने इसे कवर भी कर दिया था ताकि ये जल्दी हो जाए। और मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप इस स्टेज पे आप इसको निकाल लें जब ये कंप्लीट कुक हो जाए। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। जो बच्चे नहीं खाते हैं कटहल, वो भी खाएंगे और मेरे घर के बच्चों को तो इतना पसंद है कि वीक में एक बार तो मुझे ज़रूरी बनाना पड़ता है। तो आप भी ट्राई करें इस तरीके से। तो यहाँ पर बस ये तेल है, इसे हम एज इट इज़ छोड़ देंगे और इसमें मैं डालूँगी जीरा। और इसमें जो मैंने टमाटर प्याज की प्यूरी बनाई थी इसे हम डाल देंगे। आप चाहें तो इस प्यूरी में हरी मिर्च भी 4-5 ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हरी मिर्च यूज नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हल्दी, 2 पिंच हल्दी डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने मिर्च डाली है। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप कितने स्पाइसी खाते हैं। और साथ में मैं यहाँ पर नमक डालूँगी, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। आप तेज़ खाते हैं, हल्का खाते हैं, तो इस तरह से नमक डाल दूंगी मैं। और नमक डालने के बाद आपको क्या करना है कि सारे मसालों को एक बार अच्छे से चला लेना है और चलाने के बाद इसे ढककर कुक करना है तेल अलग होने तक। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और इसको मैं चला लूँगी और चलाने के बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं अगर आप ये सब्ज़ी ट्राई करते हैं आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने लीड हटा ली है और मैं एक बार चेक कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से बीच बीच में चेक करना है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी अच्छे से नहीं भुनी है, तो मैं इसे एक बार और कवर कर देती हूँ। तो इसको लो फ्लेम पर ही आपको रखना है और आपको तेल सेपरेट होने तक ही इसको अच्छे से कुक करना है। तो देखिए ये हो चुका है, सारा मसाला हमारा थोड़ा सा ड्राई भी हो चुका है। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी मुझे सजेस्ट करें। और ये भी ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लेम लो है और अभी थोड़ा सा और मैं इसे कुक कर रही हूँ। वैसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, तेल सेपरेट हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं और कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 मिनट ऐसे और कुक करा है कवर करके। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है। मुझे इसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसे डाल रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसको एक बार चलाने के बाद मैं अब इसमें कटहल डाल दूँगी। तो यहाँ पर अब डाल देते हैं कटहल और ये सब्ज़ी बनने में 5 मिनट और लेगी। अगर एक बार हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो ये सब्ज़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और कटहल अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद मसाले के अंदर, उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा पानी। आप चाहे तो इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा लटपट चाहिए, थोड़ी सी इसकी ग्रेवी इसमें अच्छे से लपटनी चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसे कवर करके मैं 3 मिनट के करीब और पकाऊँगी हाई फ्लेम पर। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे आपको हटा कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर रोटियाँ भी पड़ी हैं, साथ में मैं रोटी भी बना रही थी। तो देखिए हमें इस तरह से चाहिए, इसमें मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं और इसके अंदर भी हमने पानी डाल दिया था तो कटहल के अंदर तक मसाले ऑब्जर्व कर गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।